हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के बारे में जो कि NIOS बोर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो लोग ओपन बोर्ड में पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो या BBOS हो या फिर NIOS बोर्ड हो, तो उन लोगों को, वो स्टूडेंट जो CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं या फिर स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, तो वो लोग इनको मतलब एक तरह से मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, ये बोल कर कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। और NIOS बोर्ड तो वो बोर्ड है जिसमें आप सिर्फ चोरी करो और लिखो, इसे 10th और 12th करने के बाद आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ NIOS बोर्ड वालों या फिर आप ओपन बोर्ड वालों को भी बोल सकते हो, उन लोगों के ऊपर ये कमेंट किया जाता है, ठीक है ना, उन लोगों को एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप NIOS बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको खुद से एक प्राउड फील होना चाहिए, ठीक है। और ये इस वीडियो में हम लोग कुछ उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ NIOS स्टूडेंट या फिर ओपन स्टूडेंट वालों को ही मिल सकता है, उसके अलावा किसी को भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे लोग आज के पहले इस वीडियो को NIOS बोर्ड स्टार्ट वालों को, सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम ही टाइम होता है, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों को क्लास करना नहीं रहता है, ठीक है, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में, तो उन लोगों को क्लास नहीं करना रहता है, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है जिससे वो अदर एग्जाम जैसे कि NEET, JEE या फिर कोई भी अदर एग्जाम के लिए उनके पास तैयारी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। तो उन लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। एक और बेनिफिट्स, अगर आप 9th क्लास पे फेल हो चुके हैं और आप 10th डायरेक्टली पास करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि सिर्फ NIOS स्टूडेंट, NIOS के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को ही ये बेनिफिट मिलता है, ना कि कोई CBSE और कोई अदर स्टेट बोर्ड वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप 10th में फेल हो चुके हैं और आप 11th का 9th में फेल हो चुके हैं, आप 10th करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, एडमिशन, ओके। अब सेकेंड थिंग यहाँ पे नेक्स्ट जो बेनिफिट्स है वो ये है कि NIOS का जो एग्ज़ाम है वो ईयर में मतलब 365 दिन में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो इसमें एक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन भी होता है, तो हम उस पर अलग वीडियो में उसको पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटी उनको साल में दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी सिर्फ NIOS स्टूडेंट को ही मिलता है। आप 2 साल में मतलब 2 बार आप एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये 2 एग्जाम में भी फेल हो चुके या फिर आपका जो नंबर कम आया, तो आप जो है ऑन डिमांड एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट है जो कि आप NIOS बोर्ड में पढ़ने के साथ साथ आप खुद को जॉब और अदर वर्क भी कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है ना। आप जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ साल में कुछ दिन ही जाना होता है इस आपके अपने स्टडी सेंटर में, वो भी सिर्फ प्रैक्टिकल और एग्जामिनेशन के टाइम पे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आपके पास अगर कम पैसा है, ठीक है, ओपन बोर्ड बनाने का मकसद यही था कि जो लोग इनके लिए मतलब कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, आप इस बोर्ड में किसी भी एज में जा करके एडमिशन ले सकते हैं और अपना डिग्री जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप इस बोर्ड में जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस बोर्ड में पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आपको, आप इसका वेबसाइट पर जा करके देखिएगा, तो यहाँ पर आपको पैसा काफ़ी मतलब कम लगता है, इन कंपेरिजन ऑफ CBSE और स्टेट बोर्ड से भी यहाँ पर कम पैसा आपको 11th और 12th करने में लगेगी। तो ये थे कुछ NIOS के बेनिफिट्स जो कि सिर्फ NIOS स्टूडेंट को ही मिलते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।